नमस्कार दोस्तों, मैं एक ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूं और वो स्ट्रेटेजी है कमोडिटी का, सिल्वर का ट्रेडिंग का। सिल्वर ट्रेडिंग के जरिए आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो स्ट्रेटेजी क्या है, आइए समझते हैं। सिल्वर ट्रेडिंग क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। सिल्वर कमोडिटी में आती है और काफ़ी वोलेटाइल रहती है। इसमें आप सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि आप लॉट फ्यूचर में बाई कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ होता क्या है इसमें कि इसमें आपका जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी 6 महीने का होता है, तो आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलता है कि आपको बाय करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। आपके पास टाइम ही टाइम है, आप उसे 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। तो आप इस तरीका से दो चीज़ कर सकते हैं, बाय भी करके चल सकते हैं, सेल करके भी चल सकते हैं। लेकिन मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ इसमें आप बाय करके चलें तो ही ज़्यादा सेफ रहेगा। तो कैसे क्या करना है, पहले लॉट को समझ लेते हैं, इसके साइज को समझ लेते हैं। सिल्वर के 3 साइज होते हैं, पहला सिल्वर मिनी, दूसरा जो 5 किलो का साइज का होता है। इसे लेने के लिए आपको कम से कम 40,000 का मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा होता है सिल्वर माइक्रो जो 1 केजी का होता है, उसे लेने के लिए आपको 7,000 से 8,000 रुपये लगेंगे। और तीसरा जो होता है सिल्वर 1,000 जो 30 किलो का होता है, उसे लेने के लिए आपको कम से कम 2 लाख का मार्जिन लगेगा। अब M2M जो होता है, M2M लेने के लिए, M2M रखने के लिए जो भी आप लॉट ले रहे हैं, आपका कम से कम 50% या उसी के बराबर आपको M2M भी रखना होता है। तो मान के चलिए अगर आप सिल्वर मिनी लेते हैं तो आपका 40,000 का ये सौदा होता है। M2M मैनेज करने के लिए कम से कम आपको 40,000 एक्स्ट्रा रखना होगा या उसका 50% 20,000 तो रखना ही होगा क्योंकि वोलेटाइल होती है। 1,000 का मूव आपको तुरंत मिल जाता है, हर दिन का ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो इस स्ट्रेटेजी में करना क्या है, इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक जो 1,000 गिरेगा, जिस दिन 1,000 गिरेगा सिल्वर आपको बाय कर लेना है। जिस दिन 1,000 गिरेगा आपको बाय कर लेना है। तो 1,000 गिरा, आप सिल्वर को बाय कर लिए। और आप सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड रहेगा सिल्वर मिनी करिए ताकि वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। आप सिल्वर माइक्रो में कर सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा, 1 किलो का वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो हम आप सिल्वर माइक्रो करिए 1 किलो का या सिल्वर मिनी करिए 5 किलो का, जैसा आपका कैपेसिटी पॉकेट अलाउ करे आप उसको करिए। तो आप सिल्वर माइक्रो का अगर 1 किलो का साइज का सिल्वर लेते हैं तो आपको 8,000 रुपये लगेंगे। आपको मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है तो आप उसे 12 बार ले सकते हैं, यानी जब जब सिल्वर गिरता है 1,000 आप उसको बाय करो। आप बाय करते जा रहे हैं 12 बार, ऐसा नहीं है कि 1,000 पॉइंट गिरेगा। अभी तक देखा गया है सिल्वर ज़्यादा से ज़्यादा 30% गिरा है, हिस्ट्री में देखा गया है कि 30% गिरा है। तो अब जब भी 1,000 गिरे आप बाय कर लीजिए, आप फिर जब 1,000 बढ़े उसे बेच दीजिए। आपको ये चीज़ करते रहना है। अब आप बोलोगे कि जो पहले वाला है वो कैसे जानेंगे, उसके लिए आप डायरी में लिख रखो कि आप 1,000 के नीचे, जैसे अभी 31 अगस्त का दाम है 74,820 रुपये, 74,820, ये 1,000 पॉइंट गिर के आया है। कुछ दिन पहले ये करीब करीब 76,000 में था, तो हमने अभी एक 5 किलो का ऑर्डर हमने लगाया है। अब जैसे ही ये 1,000 और गिरेगा फिर मैं 1,000 एक लॉट बाय कर लूँगा। तो इस तरह से जब जब 1,000 गिरेगी तो आप 5 किलो का, जैसे आपका पॉकेट अलाउ करें, या 1 किलो का आप एक लॉट बाय करो और जैसे ही 1,000 बढ़े आप उसे बेच दो। तो ये स्ट्रेटेजी में आपका जो पैसा लगेगा कम से कम 1 लाख में आप 12 बार इसको बाय कर सकते हैं, 12 बार सेल कर सकते हैं।
ऐसा करके आप 40 से 50 हज़ार का इनकम आराम से कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कैसे लगाना है। आपको लॉगिन करना है ICICIdirect.com का साइट से हम दिखा रहे हैं। तो प्लेस ऑर्डर में जाना है। प्लेस ऑर्डर में जाने के बाद आपको फ्यूचर में जाना है। फ्यूचर में आपको MCX दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सिल्वर लिखना है, तो हम सिल्वर लिख लेते हैं। सिल्वर लिख लेने के बाद आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखने लगेंगे, सिल्वर, सिल्वर MIC और सिल्वर MINI। तो आप हम जो डिस्कस कर रहे थे सिल्वर मिनी का, सिल्वर मिनी सेलेक्ट कर लेंगे। एक लोट का साइज का यहाँ पे क्वांटिटी में भर देंगे। यहाँ सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये सिल्वर मिनी 5 किलो का है। ये देखिए 31 अगस्त का 74,820 का रेट दिख रहा है। आप यहाँ बाय में क्लिक करेंगे। ये 74,000 क्वांटिटी में, आप एक लॉट इक्वल टू 5 क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे आप एक लॉट लिख देंगे और लिमिट प्राइस दे देंगे 74,820। दे दिए। अब आप यहाँ बाय में क्लिक कर देंगे तो आपका लॉट में यहाँ 5 भरना होगा। यहाँ 5 भर दिए। यहाँ बाय करेंगे, ये ऑर्डर जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और ये ऑर्डर लग जाएगा। तो कॉमोडिटी में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे रात तक है। तो 11 बजे रात तक आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप जब ऑफिस से आए तब भी आप इसे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सिल्वर में 1,000 का पॉइंट आपको ऑलमोस्ट हर दिन मिल जाएगा अप और डाउन का। 1,000 में आपको लगना क्या है, 8,000 रुपये लगना है। 8,000 से आप एक लॉट का बाय कर लेंगे, फिर जो जब अगले दिन गिरेगा फिर 1,000 बाय करेंगे, अगले दिन गिरेगा 1,000 बाय करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर दिन गिरेगा, और अगर हर दिन गिर भी जाए तो आपको करना क्या है, थोड़ा वेट करना है। आप एक लाख को हर 1,000 के डिप्लॉयमेंट करेंगे, गिरावट पे डिप्लॉय करेंगे। जैसे ही आप फिर वहाँ से बढ़ना चालू होगा आपको वो डायरी में लिख रखना है। जैसे आज का तारीख है 23, तो 23 जुलाई को आप लिख लिए कि 1,000 हम लॉट, एक लॉट हम बाय कर लिए हैं। फिर अगले जब एक गिरावट में 24 को आप 1,000 एक लॉट बाय कर लिए हैं, फिर तीसरे गिरावट में 1,000 पॉइंट गिरा, फिर आप 1,000 बाय कर लिए हैं। तो आप देखेंगे कि जब 1,000 पॉइंट जिस दिन बढ़ा है आप उसको बेच दीजिए, तो आप डायरी में नोट रख दिए कि जिस दिन बढ़ा है वो पहले दिन का आप एक सौदा को काट दिए, उस सौदा को आप काट दिए, एक सौदा कंप्लीट हो गया। फिर तीसरे सौदा, दूसरे सौदा में आपको आ जाना है, फिर 1,000 पॉइंट जब बढ़ेगा फिर दूसरे माल को काट देना है। इस तरह से आपके पास 12 एंट्री होंगे, 12 बार आपको काटना है, फिर आपको नए एंट्री में जाना है। अब आप बोलेंगे कि हम पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट आपके पास 6 महीने का टाइम है। अगर 6 महीने में टाइम नहीं भी होता है तो आप थोड़ा दूर का कॉन्ट्रैक्ट में खेलिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको अभी अगस्त चल रहा है, आप अगस्त का नहीं बाय करो, आप नवंबर का बाय कर लो, नवंबर का नहीं करो फरवरी का कर लो। तो आपके पास फरवरी तक का टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है। अभी जुलाई चल रहा है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास। 6 महीने में ऐसा नहीं होगा कि चांदी गिरेगा नहीं और बढ़ेगा नहीं। जब भी बढ़ेगा हर 1,000 की गिरावट पे आपको बाय करना है, और जब भी बढ़ेगा 1,000 की तेज़ी में आपको सेल करना है। ये स्ट्रेटेजी से अभी तक अच्छा खासा मुनाफा हम खुद भी कमाए हैं, लेकिन आप भी कमा सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कैसे कमाया जा सकता है।
ये स्ट्रेटेजी काफ़ी परखा हुआ है और इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट करो। 1 किलो का चांदी 1000 की गिरावट पे आपको बाय करना है और हर गिरावट पे बाय करना है, फिर जब बढ़ता है तब आपको सेल करना है। तो ये आपको कैसी लगी ये जानकारी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सिल्वर में आपको कैसे ट्रेड करते हैं, आपका क्या स्ट्रेटेजी है, अब तक कैसा प्रॉफिट कमाए हैं, आप ये ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।